हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिवाइवल ऑफ वेस्ट यानी कचरे का पुनरुद्धार। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसे आप लोग कचरा मान के फेंक देते हैं उसी कचरे से मैं आज आप लोगों को एक यूनिक चीज बना के दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने एक नेक फैन का ब्लूटूथ हेडफोन बनाया है, तो इसे कैसे बनाया है उसे आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नेक फैन को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक भारी कागज को इस तरह से काट लिया है अंदाज करके, और अब इस कागज को इस शीट के ऊपर रख के मैं मार्किंग करके सेम टू सेम दो पीस काट लेंगी। तो इस शीट को मैंने प्लास्टिक पाइप को काट के बनाया था। तो फ्रेंड्स, इस पीसेस को काट के मैं बैटरी, स्विचेस और सर्किट वगैरह के लिए एक बक्स बनाने वाला हूँ। तो इस तरह से बैटरी की शेप में मैं माप के और दो पीस काट लेंगे भीतर और बाहर की साइड के लिए। तो फ्रेंड्स, इस बॉक्स को कैसे बना रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नया विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने अप्रोक्स इस बॉक्स को बना लिया है। अभी आगे की तरफ फैन को फिट करने के लिए मैंने दो पाइप का टुकड़ा इस तरह से फिट करने वाला हूँ। तो पाइप को यहाँ पे कैसे फिट करता हूँ आप लोग देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पाइप को माप के लगभग 6 इंच की दूरी में दो टुकड़ा काट के ले लेंगे। अब एक मोटा आयरन वायर के द्वारा मैंने इन दोनों पाइप के टुकड़ा को इस बॉक्स के साथ फिट करने वाला हूँ। अब उसी चीज से चिकना करके और दो टुकड़ा ले लेंगे और इससे मैं जो फैन बनाने वाला हूँ फैन की बॉडी बनाने के लिए यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने दो फैन के लिए कवर बना लिया है। अभी एक प्लास्टिक बोर्ड से मैं राउंड करके 4 टुकड़ा ले लेंगी और इससे मैंने फैन के प्रोपेलर के लिए कवर बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस सभी टुकड़ों में मैं 16 हिस्सों में मार्क कर लेंगी। और इन सभी 16 मार्किंग में मैं 16 होल कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब ऐसा एक वायर ले लेंगी और इस वायर को मैं 2.5 इंच की दूरी में कट करके 16 टुकड़ा ले लेंगी और सभी पार्ट्सों को मैं एक साथ इस तरह से जोड़ते हुए फैन की कवर बनाने वाला हूँ।
और इस सभी वायर को सपोर्ट करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक पाइप से इस तरह का दो रिंग ले लेंगे और सभी पार्श्वों को मैं इंस्टेंट ग्लू से अच्छी तरह से चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मोटर को प्रोपेलर के साथ अंदर फिट कर देंगे। तो प्रोपेलर कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो आप लोग चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं सभी पार्श्वों को एक साथ जोड़ के मैंने कितने अच्छी तरह से फैन को बना लिया है। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से काम भी कर रहा है। तो ऐसा सेम टू सेम मैं दो फैन बना लेंगे। अब खराब दो हेयरफोन से मैं दो 3.5 mm जैक को ले लेंगे और दो MP3 प्लेयर बोर्ड से मैं दो फीमेल सॉकेट को भी ले लेंगे। तो आप लोग किसी भी मोबाइल या किसी भी MP3 प्लेयर की सर्किट से ऐसा जैक ले सकते हैं। अभी मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी मोड को ऑन करके मैंने दोनों जैकों की कनेक्शन को निकाल के इसके बाद वायरिंग करेंगे। और इसी जैक के द्वारा मैं फैन को बॉक्स के साथ जोड़ने वाला हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर मैं फैन को खुल के रख सकूँ। इस तरह से वायरिंग करने के बाद मैंने दोनों फीमेल जैक को फिट करने के लिए इस तरह का दो पेन की कैप ले लेंगी और दोनों कैप के साथ में इन दोनों जैक को मैं पाइप के साथ फिट करने वाला हूँ। और यहाँ पे दो तारों की टिप्स को मैं इस तरह से पाइप के साथ चिपका देंगी ताकि दोनों पाइप बाहर ना निकल सके। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से फैन की वायरिंग को कंप्लीट करने के बाद मैं इस तरह का एक खराब हेयरफोन ले लेंगे और हेयरफोन से जो दो स्पीकर होता है स्पीकर को मैं काट के यहाँ पे इस तरह से फिट करने वाला हूँ। और आप इस तरह का एक शीट की टुकड़ा ले लेंगे और इसको मैं यहाँ पे रखते हुए फेविक्विक से चिपका देंगे ताकि जो आयरन वायर है वो बाहर ना निकल सके। और यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट और एक स्विच फिट करने वाला हूँ। और इसके बाद मैंने इस तरह का एक ब्लूटूथ मॉड्यूल ले लेंगे और इसको मैं पहले दो बैटरी की वायरिंग कर देंगे और इसके बाद इस तरह से कनेक्ट करके मैं एल आउट, ग्राउंड और आर आउट में मैं स्पीकर की वायर सोल्डरिंग कर देंगे। और इसके बाद बैटरी के साथ फैन, ब्लूटूथ मॉड्यूल और चार्जिंग सॉकेट की नेगेटिव वायर को मैं बैटरी के नेगेटिव के साथ सोल्डरिंग कर देंगे और चार्जिंग सॉकेट और फैन की पॉजिटिव वायर को मैं स्विच के साथ फिट करके बैटरी की पॉजिटिव फिन के साथ सोल्डरिंग करके मैं बैटरी को कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सभी वायर को कंप्लीट करने के बाद बैटरी को अंदर रख के मैं जो बॉक्स का ऊपर का कवर है कवर को इस तरह से मैं इंस्टेंट ग्लू से चिपका देंगे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा ये नेक फैन काम ब्लूटूथ हेडफोन बन के रेडी हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा कलर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने सभी पार्ट्स को अच्छी तरह से ब्लैक कलर कर दिया है। अभी इसको जोड़ते हुए मैं आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो बैटरी यूज़ किया गया है इसको चार्ज करने के लिए आप लोगों को इस तरह का एक चार्जिंग मॉड्यूल यूज़ करना जरूरी है। फ्रेंड्स, मैंने ऐसा एक मल्टी चार्जर मॉड्यूल बनाया था तो इससे मैं इस बैटरी को चार्ज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऐसा एक मल्टी चार्जर मॉड्यूल बनाना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी इस फैन को चला के देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये नेक फैन कितने अच्छी तरह से काम कर रहा है। अभी ब्लूटूथ हेडफोन को चेक करने वाला हूँ, इसके लिए मैंने इसको एक मोबाइल की ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो नंबर है BT-SS1 है, तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। अभी इसको मैं कुछ म्यूजिक प्ले करके आप लोगों के सामने रिकॉर्डिंग करके दिखाएंगे।
तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरा जो नेकपेन का ब्लूटूथ हेडफोन है वो कितने अच्छी तरह से काम कर रहा है।